अभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया थी, मैंने करना है इनके साथ एक प्रैंक। तो गया साले। अम्मा जो है वो सबको डाल के दे रही है। सारा घर हमारा टेरेस पे आ गया। जी जी चलो चलो मैं भी आ गई हूँ। लेट्स गो। जरा नीचे चेक कर लो भाई साहब को। गुस्सा इतना चढ़ रहा, कब से देख रहा उसको बैठ के। कर बस वो देखना जरा, मामा उसमें देख लो हाथ कहाँ रखा हुआ है। गुस्सा ही बहुत चढ़ता है, उल्टे काम कर रहा है ना, उल्टे काम कर रहा है। चलो आ जाओ मम्मा। मुँह में जा रही है, तुम टिश्यू लेके आओ। खोपसी की नराको, ओ नराको आ जा। मानी को तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। चलो आ जाओ मम्मा से नोदी देखना साफ करा रहा। गंदा चूड़ा काका मम्मा का। हेलो YouTube फैमिली, वेलकम टू लॉरी सिस्टर्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, ब्रांड न्यू व्लॉग। खैर अभी जो है थोड़ा सा लेट हो गया, आज हमने लेट व्लॉगिंग शुरू की है। अभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया। असल में हुआ ये है कि सारे जो ना बड़े चिल माहौल और रेस्ट मूड में बैठे हुए हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने करना है इनके साथ एक प्रैंक, जिसके लिए मैंने निकाला है ये स्नेक। मतलब लास्ट व्लॉग में ना, लास्ट टाइम जब मैंने इनके साथ कोई प्रैंक किया था, तब ना मतलब मुझे होता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं आता कि वो ड्राइंग कैसे। तो मैंने अपने साथ किसी ना किसी को पार्टनर बना के ना टीम मेंबर टीम बना लेती होती हूँ कि हम ऐसे करेंगे। आज मेरे पास कोई भी नहीं है और मैंने अकेले सबको साथ करना है, ठीक है। तो ये सारा दिमाग बिल्कुल सरासर मेरा ही होगा, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमने आज पक्का पक्का सक्सेसफुल करना है, ठीक है, इस प्लान को। तो अभी सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। लेवल मैडम पढ़ रही है, मामा अपने रूम में बैठी हुई है, पाती आने वाली है, सबके साथ होगा, कोई भी नहीं छूटेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे इसको छुपाना पड़ेगा। यहाँ पे छुपाते हैं। छुप गया, ऐसे ही नजर ही ना आते। ओके डन। मम्मा क्या कर रहे हो? दीनू कहाँ कर लियो? दीनू ये रही रहमत मोहतरमा, पढ़ाइया छड़ाइया हो रही हैं, किताबें शिताबे लगा के बैठी हुई हैं। हमारे फाइनल्स ऑफ सेमेस्टर खल्लास, खत्म, बिंदास, छकास। नहीं होगी अभी फाइनल से पहले, कुछ नहीं होता, पढ़ लो अभी तुम। बिंदास छकास, मम्मा नमाज पढ़ी है। तो पहले सबसे जो बंदा आएगा वो होगा ये। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उल्ला क्या हो गया? ही, ही, अब तो कुछ नहीं बचने वाला। तू तो गया साले, गया। ये क्या हो गया? नो 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 बाबा नो 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 बस। दीनू भाई साहब चली गई नीचे, हम थोड़ी देर इधर रूम में रहते हैं और थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं। मैं थोड़ा लैपटॉप पे अपना काम शाम करती हूँ, यहाँ फाती के टेबल पे। रहमत अगर हम इधर कैमरा एडजस्ट करें तो वीडियो सही बन जाती है, लगा के देखो। जरा कैमरा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कोई शूट वूट करते हैं, आपस में गप्पे शप्पे मारते हैं। रहमत पढ़ाई करिए, जरा से पूछते शूटते हैं, इसी गपशप करने लगी। रहमत को लग रहा था कि बड़ा बोरिंग शोरिंग होगा इसका कुछ, लेकिन ना मुझे नहीं लग रहा कि बोरिंग होगा। मामा कह रही थी कि हम जा रहे हैं पार्क, मैं कहा रहमत साथ थोड़ी गपशप लगा के फिर आपके साथ आती हूँ पार्क चलने। अब भी हम लोग रहमत से पूछते हैं, रहमत की पेपर की तैयारी कैसी चल रही है और क्या कुछ हो रहा है। चीटिंग करता है तू। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। हाय मैं डर गई है।
मारो, हमको मारो। ये हमेशा फ्लॉप ही रहेगा, मैं उनको कभी भी डरा सकती। डराने रात को डराओ भाई, रात को डराओ, कोई आके टांगे पकड़ लो, कोई मैं जा रही हूँ तो भूख कर दो, चाहे से रात के घेरे में डराओ, ये को डराना है। मैं पेपर की टेंशन में, तुम मुझे फ्लॉप से डरा रही हो। मतलब तुम डरी नहीं, अब बातें ना करो हमसे ज्यादा, तुम जाओ, फारिग हो गई, बस प्लान खराब किया हमारा सारा। ममक से आके कुछ करूंगी, अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस है कि इसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं, करूंगी इसके साथ भी कुछ ना कुछ। अभी हम इसको ना इधर छुपा देते हैं, इसके नीचे। लड़की बहुत ज्यादा लड़ाकी हो गई है, बहुत ज्यादा लड़ाकी हो गई है, इसको डरती है नहीं है, लड़ाकी होती दिन ब दिन जा रही है ज्यादा से ज्यादा। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा के पास, बाय बाय, पढ़ती रहो बैठ के, दीनू को भी बाय बाय, लेट्स गो, हम जाएंगे अकेले। मैं आपके पीछे आ रही हूँ, आप इधर आ गए हो, ये क्या बात हुई मामा? माँ मैं आपके पास आ रही थी, आप यहाँ पे आ गए हो, तो साथ साथ अपना मामा। पहले हम लोग भी नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, मम्मा भी नमाज पढ़ ले, बाकी सारे भी फ्रेश और फ्री हो ले, ठीक है? A few moments later. मामा डर क्यों नहीं आप? ये क्या बात होती है, सारे मुझसे डरते कि मैं इतना बेकार किसी को प्रैंक करती हूँ। मैं आपके साथ ऐसे करी, पता देखा तो सही, डरे तो सही, और आपसे चिर बोल हूँ। मामा हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं आप डरे क्यों नहीं पहले मुझे बताओ? डरने का क्या मैं होती तो वैसे डर के बहुत छलांग मार के जाती है, आप लोग सीधा कोई डरता ही नहीं यार, ऐसे थोड़ी चलते हैं। भाई सब कुछ कर लो, छुपाओ इसको, छुपाओ छुपाओ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारा रायता रेडी हो गया, इसको हम रखने लगे हैं फ्रिज के अंदर। है यहाँ पर देख लो हमारा चूजा सोया हुआ टेबल के ऊपर, स्पेशल टेबल इसी के लिए रखा हुआ है हमने। मामा क्या बनाई जा रही है? मेरी कीमे की टिक्की बना रही हूँ फातिमा रहमत के लिए। क्या क्या डाला है इसमें? प्याज, सबज, मिर्च, लहसुन, अदरक भी डाला है। और सारा कुछ, प्याज, लहसुन, अदरक और वो मसाले डाल दिए, टिक्किया बना के कबाब बना के रख दूंगी। इनडायरेक्टली मम्मा यही कहना चाह रही है। क्या इसको अभी हम रखते हैं फ्रिज के अंदर। मामा के लिए आ गया ठंडा पानी। मम्मा फ्रिज में आपकी कोक की एक बोतल नहीं पड़ी हुई, तो आप क्या खाओगे और पियोगे? दोनों की जिम्मेदारी है ना, रख लेंगे नहीं आपके काम है। कोक कौन पिएगा, याद कौन कराएगा? याद कराओगे तो फिर इस दिमाग में जाएगा कुछ। बहुत तेज हो रहा है। हमने कल बनाए थे शामी, बिल्कुल फ्रीज हुए पड़े हैं चकाचक एकदम। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, इसको दूध का एक बना लग जाए अपना। अच्छा, इसको हम रखेंगे मतलब किसी अच्छे सी चीज में पैक शैक करके डब्बे शब्बे में डाल के, उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई, फिर हम खाएंगे इसको, ठीक है? इतनी लंबी तमहीद तो समझ में तो आपको आ ही गई होगी। यहाँ पर मुझे किसी की आवाजें आ रही है, बाय ओयला, बाय कैटू, आई हुई है मामा। करेलों के लिए कीमा निकालना, फातिमा को कॉल छोड़ गए, कहाँ रह गई है? एक बस फातिमा ही रह गई है। अगर इधर भी प्लान फ्लॉप हो गया ना तो बस शदीद किस्म वाली बिस्ती हो जानी, और मैंने तुम्हारा कभी किसी के साथ प्लान नहीं करना। रहमत के साथ किया तो भी बिस्ती हो गई, मम्मा के साथ किया तो भी मेरी बिस्ती हो गई, दिस इज नॉट फेयर। बिस्ती हो गई, मेरा फ्लॉप कैसे हुआ? फ्लॉप मेरा फ्लॉप हो गया। ग्रीन, जब तक फातिमा नहीं आती तब तक हम लोग किचन में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मामा बनाई जा रही हैं मटन पुलाव, एंड टिक्की बना के देख रही हूँ, टिक्की बन चुकी है हमारी, देख रही हूँ ये मामा देख रही हैं कि बोटी गल चुकी है या नहीं गली है। यहाँ पर मैंने शामी फ्राई करने के लिए निकाली है, बाकी मैंने डिब्बा पूरा तैयार कर दिया है, पैक शैक ऑल डन, और रायता बन गया है, सैलेड कट गया है। नमक मिर्च गरम, मिर्ची आपने दब
दबा कर डालती है। मिर्ची दबा के मिर्ची लगी हुई थी। अच्छा मेरी जबान गई। खलास खत्म। 1:37 later। फातिमा आ चुकी है और पूरा घर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुका है। वो अल्लाह अज़ीन बहू को फेर रही है। अज़ीन बहू को मामा चाचू को इग्नोर कर रही है। चलो पार करो। अभी हम लोग सारे जो है वो खाना खाने लगे हैं और मामा जो है वो सबको डाल के दे रही है। मैंने यही सब कुछ मामा के साथ भी रहमत के साथ भी किया। कोई भी नहीं डरा, कोई एक बंदा भी डरा। तो मामा और कम कर रहा था। मजा आया कैसा लगा? मैंने तो ब्लॉग बनाते करना पानी का प्रेस। बहुत मजा आया। मुझे पता है बहुत सारा मजा आया। खैर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स रिएक्शन फातिमा का था। हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। ये रहा हमारा पुलाव रायता एंड शामी, द बेस्ट कॉम्बो एवर। कैसा? वो बहुत शौक से खाते थे। मैं भी खाती हूँ, उनको याद करती जाती। आपको भी मजा आता? पारी हो रही है। हाँ, मेरी बड़ी मजे की पार्टी होती है। ये ट्रेन खाना है मेरा। ये वापस में लगी हुई है लड़ने के लिए। आई होप कि आप लोगों को आज ब्लॉग बहुत सारा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।